अपुन को तुम्हारा हेल्प मांगता है। अगर किसी को मारना है, किसी को उठाना है, तो ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे कामों में जरा कमजोर हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बापू, वो सब अपुन कर लेगा। वो क्या है ना कि कल तुम अपुन के साथ जानवी के घर चलो, ऐसे ही इनविजिबल मिस्टर इंडिया टाइप, वो लोग ना तुम्हारे बारे में हिस्ट्री पूछेगा, तुम हल्लू से अपुन के कान में आंसर बोर्ड लगने का। वो क्या है ना बापू, अपना हिस्ट्री थोड़ा वीक है ना। अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। अरे 10 काम करेगा बापू, लेकिन अपुन का ये काम कर दो प्लीज। मेरा काम सुन तो लो। अरे बापू प्रॉमिस बोला ना, जो तुम बोलेगा अपुन करेगा, जबान दे रहा हूँ बापू। मेरा काम इतना आसान नहीं है बापू, या की मुंबई में अपुन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तुम्हारा काम हो गया, डन समझ लो। ठीक है मैं चलता हूँ, याद करना पहुंच जाऊंगा। हाँ। सर्किट टेंशन खलास, अब दादू को इतिहास के बारे में कुछ भी पूछने दे, इतिहास तो अपुन के साथ जा रहे लाए। चेस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। प्रोफेसर साहब एक सवाल है मेरा। एक मिनट, सवाल पूछने से पहले हम सब मिलकर बापू को याद करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। अरे बापू थैंक यू, अपन को संभाल लेना बस। अरे हो गया, अरे बस करो भाई बस करो, जो भी सवाल पूछना है पूछो, बिंदास बिंदास। बेटा कल यहाँ पार्क में मेरे सामने एक नौजवान ने पत्थर मार के बापू के स्टैचू का हाथ तोड़ दिया और फिर खड़ा खड़ा हंस रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं। सिंपल है, वो नौजवान के घर पे जाने का, उसको वहां से उठाने का, बापू के पुतले के सामने खड़ा करने का, और एक और पत्थर देके उससे कहना चाहिए कि मेरा पूरा पुतला गिरा दो। ये क्या बोल रहा है बापू? जो मैं कहता हूं वो कहो। Are you sure? वो नौजवान के हाथ में पत्थर देने का और बोलने का कि बापू का फुल पुतला गिरा दो। इस देश में मेरे जितने पुतले हैं सबको गिरा दो। ये फुल कंट्री में बापू का जितना भी पुतला है ना, सबको गिरा दो। हा? मेरी हर तस्वीर को दीवार से हटा दो। बापू की जितनी भी तस्वीर दीवार पे लटकी है ना, सबको हटा दो। हर इमारत, हर चौराहे, हर मार्ग जिस पे मेरा नाम लिखा हो मिटा दो। वो क्या है कि हर बिल्डिंग नोट वोट रोड से बापू का नाम निकाल दो। अगर कहीं रख सकते हो तो मुझे अपने दिलों में रखो। अगर बापू को रखने का ही है तो अपने दिल में रखो ना। समझा क्या? इधर रखना मांगता है हार्ट में। अरे क्या नहीं किया उसने अपुन के लिए, जेल गया, फास्टिंग किया, एक धोती पहन के अखे कंट्री का राउंड मारा, गोली भी खाया इधर इधर, और अपुन ने उसके लिए क्या किया? एक तस्वीर बनाकर दीवार पे लटका दिया और उसके नीचे आराम से रिश्वत लेता है। वो सोचा कि अपुन अपना कंट्री क्या मस्त बनाएगा, एकदम इंपोर्टेड जैसा। अपुन ने साला ये कंट्री का वाट लगा दिया। अरे नहीं बेटा, इतना भी बुरा हाल नहीं है, आजकल देश तरक्की कर रहा है। अरे घंटा तरक्की कर रहा है। नल है लेकिन पानी नहीं है, बल्ब लगे है लेकिन बिजली नहीं है, रोड पे गाड़ी कम है खड्डे ज्यादा है, अरे फुटपाथ पे तुम चल नहीं सकता क्योंकि दुकान खड़े है, ट्रेन है लेकिन नाम वेटिंग लिस्ट पे, टिकट कंफर्म होता है तो ट्रेन कैंसिल होता है, अस्पताल जाओ तो बेड खाली नहीं है, बेड मिलेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, अरे कंप्लेन करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, नेता के पास जाओ तो बाबू के पास भेजता है, बाबू के पास जाओ तो मीटिंग में, घर पे फोन करो तो बाथरूम में, जब वो मिलेगा तो बोलेगा कि एप्लीकेशन दो, वो भी डुप्लीकेट में, और फिर वो एप्लीकेशन घूमता रहेगा राउंड एंड राउंड। आज अगर बापू होता ना तो बोलता कि देश तो अपना हो गया है,
लेकिन लोग पराए हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।